माइकल फैराडे द्वारा दिए गए विद्युत अपघटन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। माइकल फैराडे ही सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन किया। माइकल फैराडे ने सबसे पहले ये देखा कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा एवं विद्युत अपघट के विलयन में प्रवाहित जो विद्युत धारा की मात्रा है उनमें क्या संबंध है। तो इन्होंने सबसे पहले विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राओं एवं प्रवाहित किए गए विद्युत धारा के मध्य संबंध का अध्ययन किया और इन्हीं संबंधों के आधार पर उन्होंने दो नियम दिए। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार यहाँ पर किसी भी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या उत्पन्न होने वाले गैस की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होगा पदार्थ या फिर कोई गैस मुक्त होगी तो उसकी जो मात्रा है वह प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होगा, यानी W समानुपाती होगा Q के। तो W बराबर Z Q होगा यहाँ पर। तो Z यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, एक स्थिरांक की तरह यह कार्य करता है। यहाँ पर जो W है यह W इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा एवं जो Q है वो विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को दर्शाता है। तो W समानुपाती Q को हमने लिखा W बराबर Z Q। तो यहाँ जो Z है तो Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो Q को हम लिख सकते हैं, Q यहाँ पर आवेश है, आवेश बराबर हो गया विद्युत धारा इंटू समय। तो Q यहाँ Q बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू T। तो जो W बराबर हमने लिखा था Z Q, तो W बराबर हम लिख सकते हैं अब Z इंटू I इंटू T। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर I इक्वल टू एक एम्पियर है, I यहाँ पे विद्युत धारा है, इसी तरह से यदि T समय लिया गया है और उसको एक सेकेंड माना गया तो जो आवेश होगा यानी Q वो यहाँ पर एक कूलाम कहा जाएगा। W बराबर Z कब होगा, जब यहाँ पर हम I इक्वल टू वन एम्पियर लेंगे और T इक्वल टू वन सेकेंड लेंगे। तो किसी भी पदार्थ का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वह पदार्थ का वह द्रव्यमान होता है जो एक एम्पियर की विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त किया जा सकता है या जमा हो सकता है। W बराबर Z Q होता है, फिर Z को हमने चेंज किया, यहाँ पर W इक्वल टू Z लिखा। तो Z की परिभाषा जब हम देते हैं तो Z इक्वल टू W है। तो W यहाँ पर कब होता है, जब एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित की गई है। तो यहाँ पर जो W है वो Z के इक्वल होता है, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, जबकि यहाँ पर एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। फैराडे द्वारा दिया गया जो द्वितीय नियम है इसके अनुसार अलग अलग विद्युत अपघट्य के सॉल्यूशन को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो किस प्रकार इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा निर्भर करती है, इस पर आधारित है। तो सबसे पहले इसका जो नियम है वो हम देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े जो विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन हैं उनमें जब विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले या एकत्रित होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्राएं हैं वो यहाँ तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, यानी W समानुपाती होगा E के। तो W समानुपाती E के है, तो W बराबर हम E लिख सकते हैं, लेकिन एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। तो W बटा E बराबर होगा एक स्थिरांक। तो W1 यदि हम दो अलग अलग विलयन ले रहे हैं, जैसे हमने अगर कॉपर सल्फेट लिया या सिल्वर नाइट्रेट लिया तो दो अलग अलग विलयन लिया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2। तो फिर इसे हम चेंज कर सकते हैं W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। यहाँ जो E है वह तुल्यांकी भार है, तो तुल्यांकी भार को हम सूत्र के रूप में यदि यहाँ पर लिखें तो तुल्यांकी भार बराबर होगा किसी भी धातु का जो परमाणु भार है बटा धन आयन को अपचयित करने हेतु
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये डिपेंड करता है अलग अलग यूनिट्स पे। अलग अलग अगर हम लवण लेंगे तो तुल्यांकी भार के लिए डेफिनेशन अलग हो जाएगा, यदि हम अम्ल लेंगे तो अलग होगा, क्षार लेंगे तो अलग होगा। यहाँ पर जो हमने तुल्यांकी भार लिया है वो धातु के आधार पर लिया गया है कि किस तरह से धातु यदि धनायन है उसका तो वह कितने इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित होगा, इस आधार पर इसे दिया गया। यहाँ हम द्वितीय नियम को एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि यदि श्रेणी क्रम में दो विलयन लिया गया जिसमें कि कॉपर सल्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, उसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली जो कॉपर की मात्रा होगी और सिल्वर की मात्रा होगी वह उन्हीं के तुल्यांकी भारों के अनुपात में ही होगी। तो यहाँ पर हम सूत्र क्या लिखेंगे इसके लिए, कॉपर की एकत्रित मात्रा बटा सिल्वर की एकत्रित मात्रा बराबर होगा कॉपर का तुल्यांक भार बटा सिल्वर का तुल्यांक भार। यहाँ पर एक उदाहरण भी हम देख लेते हैं कि जैसे चांदी है Ag के रूप में, यदि वो धनायन के रूप में है तो Ag प्लस होगा, तो Ag प्लस जब Ag में परिवर्तित होगा तो उसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो एक Ag प्लस को अपचयित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यहाँ Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो यहाँ पर है 1.6021 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर जो सूत्र होगा वो होगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा अवोगाड्रो संख्या, या इसे हम Na से भी दर्शा सकते हैं। आप सभी एवोगाड्रो संख्या से परिचित हैं, जब हम मोल शब्द का प्रयोग करते हैं तो एवोगाड्रो संख्या आपके दिमाग में तुरंत ही आता है। तो यहाँ पर हम सूत्र को कैसे लिखेंगे, मान रखकर कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह आवेश है 1.6021 × 10⁻¹⁹ एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻²³। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो है 96487 कूलाम पर मोल, जिसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो 96500 कूलाम प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने जाना कि किस तरह से Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, Ag में परिवर्तित होता है, तो इस दौरान जो आवेश है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी धातु का आप कर सकते हैं, वहां पर आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर चाहिए उस धातु आयन को अपचयित होने के लिए, तो उस आधार पर आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के आधार पर कुछ प्रश्न को हम हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। पहला है कि एक मोल एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम में चेंज करने के लिए, एक मोल कॉपर 2+ को कॉपर में चेंज करने के लिए, और एक मोल MnO4- को Mn2+ में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम 3+ है, Al3+, तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और एल्यूमिनियम में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये जितने भी यहाँ पर कूलाम आवेश हम ले रहे हैं तो 3 फैराडे यहाँ पर लेंगे, क्योंकि यहाँ एक मोल इसमें एल्यूमिनियम का चेंज हो रहा है और उसके लिए है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है 3 × 96,500 कूलाम। 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम, चूँकि यहाँ 3 फैराडे है इसलिए हम 3 × 96,500 कूलाम लेते हैं। ऐसे ही सभी प्रश्नों को देखेंगे, कॉपर 2+ जब कॉपर में चेंज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हमें जो आवेश की आवश्यकता है वो होगी 2 × 96,500 कूलाम। मैग्नेट यहाँ पर MnO4- को 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है Mn2+ में चेंज होने के लिए, तो 5 × 96,500 कूलाम होगा। अगला प्रश्न है, गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। कैल्शियम क्लोराइड जब हम कहते हैं इसका अर्थ है कि हम कैल्शियम आयन की बात कर रहे हैं, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कैल्शियम धातु में परिवर्तित हुआ, एक मोल है तो इसमें एक मोल में 2 फैराडे की आवश्यकता है, तो चूंकि यहाँ पर 40 ग्राम
में 2 फेराडे होगा। तो 20 ग्राम कैल्शियम 2+ आयन के लिए 1 फेराडे कूलाम की आवश्यकता होगी। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 2 × 20/40 = 1 फेराडे। तो यहाँ पर गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए 1 फेराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। निकिल नाइट्रेट के एक विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया तो निकिल की कितनी मात्रा निक्षेपित होगी। यहाँ पर धारा 5 एम्पियर है, समय 20 मिनट जिसे हम सेकेंड में परिवर्तित कर देंगे तो 20 × 60 = 1200 सेकेंड। फैराडे के विद्युत अपघटन के अनुसार निकिल की निक्षेपित मात्रा W बराबर, यहाँ पर चूंकि निकिल का जो भार है वो है 58.7 × एम्पियर 5 × समय 1200 / 2 × 96,500। यहाँ पर ये 2 इसलिए लिखा है क्योंकि निकिल 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निकिल में परिवर्तित होता है तो निकिल द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जब हम इसे हल करते हैं तो निकिल की जो निक्षेपित मात्रा है वह प्राप्त हुई 1.8248 ग्राम। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट के एक विलयन को 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? कॉपर का मोलर द्रव्यमान है 63.5 ग्राम पर मोल। समय यहाँ भी 10 मिनट है, मिनट को हम सेकेंड में परिवर्तित कर देंगे तो 10 × 60 = 600 सेकेंड। W = ZIT, यहाँ W बराबर हम लिख सकते हैं EIT/96,500। चूँकि ई यहाँ पर तुल्यांक भार को दर्शाता है तो तुल्यांक भार हम प्रदर्शित करेंगे अणु भार बटा 2। तो यहाँ कॉपर के लिए जो मोलर द्रव्यमान है वो है 63.5/2। तो कॉपर भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कॉपर 2+ से कॉपर में परिवर्तित होता है तो यहाँ पर ई बराबर होगा 31.75। तो कॉपर की जो द्रव्यमान होगी यहाँ पर निक्षेपित वो होगी W = 31.75 जो यहाँ तुल्यांक भार है × 1.5 जो एम्पियर जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है × समय 600 / 96,500। हल करने पर W का मान प्राप्त होता है 0.296 ग्राम। यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? यहाँ धारा बराबर 0.5 एम्पियर, समय 2 घंटा। समय को हम परिवर्तित करेंगे सेकेंड में तो 2 × 60 × 60 = 7200 सेकेंड। आवेश का मान यहाँ पर होगा 0.5 × 7200 कूलम। क्योंकि यहाँ पर हल करेंगे इस मान को तो आवेश प्राप्त होगा 3600 कूलम। 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसे हम एक मोल के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो 6.023 × 10³³ इतने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। तो यहाँ जब हम मान प्राप्त करेंगे 6.023 × 10³³ × 3600 / 96,500। तो यहाँ तार में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का मान होगा 0.225 × 10³³ इलेक्ट्रॉन। फैराडे के द्वितीय नियम के आधार पर हम एक प्रश्न और देख लेते हैं। जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एवं कॉपर सल्फेट विलयन वाले 3 विद्युत अपघटनी सेलों ABC को श्रेणीबद्ध किया गया। 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा सेल बी के कैथोड पर 1.45 ग्राम Ag निक्षेपित होने तक लगातार प्रवाहित की गई। विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई? निक्षेपित या डिपॉजिटेड कॉपर एवं जिंक का द्रव्यमान क्या होगा? तो सबसे पहले हम फैराडे के प्रथम नियम के आधार पर सूत्र लेंगे W = I
Te अपॉन 96,500, जो भी वैल्यू है उसे हम रखेंगे यहाँ पर। W की वैल्यू है 1.45 इज इक्वल टू 1.5, यहाँ पर एम्पियर के रूप में लिया गया है। T इंटू इक्विवेलेंट वेट यहाँ ले रहे हैं Ag के लिए 108 और जो फेराडे 96,500 ले रहे हैं। हल करने पर जो समय प्राप्त हुआ है T इक्वल टू 863.7 सेकेंड, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 14.4 मिनट। द्वितीय नियम के आधार पर सूत्र है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो यहाँ यदि हम दो अलग अलग लेते हैं, जैसे पहले हम कॉपर सल्फेट एवं सिल्वर नाइट्रेट के आधार पर लेंगे, तो WAG अपॉन WCU इज इक्वल टू EAG अपॉन ECU। तो WAG की वैल्यू है 1.45, WCU की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कॉपर के लिए वेट कैलकुलेट करेंगे, AG के लिए तुल्यांक भार है 108 और कॉपर के लिए जो तुल्यांक भार है वह है 63.5/2। तो आंसर हमारा प्राप्त होगा कॉपर के लिए 0.43 ग्राम। इसी तरह से यदि हम सिल्वर नाइट्रेट और जिंक सल्फेट को लेंगे तो WAG अपॉन W जिंक इज इक्वल टू EAG अपॉन E जिंक। WAG की वैल्यू है 1.45 अपॉन W जिंक, यहाँ याद करना है। फिर से वापस हम AG के तुल्यांक भार को देखते हैं, 108 बटा जिंक के लिए है तुल्यांक भार 65/2। हल करने पर प्राप्त हुआ WZN इक्वल टू 0.436 ग्राम।